मैंने अपनी तरफ से 7-8 महीने की शादी में कम से कम उनको नहीं तो 25-50 बार माफ किया होगा हर चीज में। 7-8 महीने की शादी में 3-3 4-4 गर्लफ्रेंडों को छुड़ाया है मैंने। आप समझ सकते हैं जो मेंटली ट्रॉमा, जो मेंटली प्रेशर, दुनिया के डर से, मीडिया के डर से, हमेशा मीडिया और दुनिया के डर से मैं सब सहती रही कि बोलेंगे कि अरे इसका दूसरा मैरिज है फिर भी टिक नहीं पा रहा, हर कोई मुझे दोष लगाएगा, इसलिए मैं सहती रही, मैं खामोश रही। किस तरह की धारा है, आपसे जानना चाहूंगा किस तरह की धारा है। मैंने कहा आपसे 498A 377 323 406 ये सब धाराएं लगी हुई है। हमने देखा प्यार था, यू नो आप प्यार था, प्यार था, मुझे तकलीफ हो रही थी, प्यार था कि मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। मेरा अभी 4.5 महीने पहले एक ऑपरेशन हुआ है बिग बॉस में जाने से पहले 4.5। डॉक्टर वीणा शिंदे ने मेरा बेबी के लिए यूट्रस का ऑपरेशन किया था हॉस्पिटल में। मैं और आदिल हम लोग एडमिट थे, हम लोग अभी भी बेबी प्लान कर रहे थे। सब खत्म, उन्होंने सब खत्म कर दिया, आदिल ने खुद ही अपने हाथों से सब कुछ खत्म कर दिया। हाँ, कल रिमांड पे आदिल को लेके जाएंगे और उसके बाद की आगे की कार्रवाई जो भी होगी फिर उसको देखेंगे जो भी होगा। राखी, क्या आदिल के परिवार वालों ने आपसे बात की है अभी? जी, क्या था उनका? उनकी माँ, माँ तो माँ होती है और माँ के लिए तो मेरा दिल हमेशा रोता है, लेकिन मैंने बोला कि मैं आपके लिए, आपकी बहू हमेशा आपके लिए खड़ी आधी रात को आप बोलिए, लेकिन आदिल के बारे में कुछ मत पूछना। मैंने बोला उनकी आंटी को पूछो, मैंने उनको 7 महीने में कितनी बार बोला आदिल मुझे मारता है, टॉर्चर करता है। उनकी आंटी ने मुझे यही बोला कि तुम्हारी जगह मैं होती राखी तो उसको मैं कब से छोड़ देती, तुम छोड़ दो, क्योंकि मैंने उनको सारे मारने के वीडियो प्रूफ भेजे थे। उन्होंने बोला राखी आदिल को अभी के अभी छोड़ो, बिकॉज तुम्हारी जगह मैं होती, इतने अफेयर्स तो मैं तो उसे नहीं रखती। बट मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप लोग उसको समझाओ। उन्होंने उनको बहुत समझाया, माँ ने समझाया, आंटी ने समझाया, लेकिन मुंबई नगरिया चकाचौन स्टार बनने के चक्कर में, लड़कियों के चक्कर में, पैसे, क्या बोलूँ मैं, उनको इतने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं ना, उनको मैसूर से ही, बैंगलोर से ही। शादी से पहले मुझे सब पता होता तो शायद आज का ये दिन ना आता। उन्होंने, एक लड़की ने ऑलरेडी मैसूर से केस किया हुआ है, वो अभी कुछ नहीं बताएंगे, हम आपको नहीं बता सकते। कोर्ट से क्या उम्मीद है आपकी? कोर्ट में अगर केस जाता है तो क्या कुछ उम्मीदें हैं? कोर्ट में अभी बेल की प्रोसीजर होगी, जब बेल एप्लीकेशन होगी तब उसका जवाब हम उसी तरीके से देंगे। अभी उनकी बेल एप्लीकेशन जब लगेगी तब की बात है। आप क्या उम्मीद? बट ऑफेंस बहुत ही क्रूर है, जो जो भी मैंने पुलिस को सब सबूत दिखाए हैं, मुझे लगता है कि अगर देश की जनता, अगर वो आप देख लोगे, कभी नहीं सोचोगे कि क्या राखी सावंत के ऐसा साथ हो सकता है। यह भोला चेहरा दिखने वाला आदिल ऐसा कर सकता है? आपने देखे हैं वीडियोस, बताइए। एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप जब होती है तब इंटीमेट वीडियोस जो निकाले नहीं जाने चाहिए, बहुत कुछ है जो अभी मैं रिवील नहीं कर पाऊंगी। नहीं, ये वक्त नहीं है, जब सही वक्त आएगा सारी चीजें हम सब कोर्ट में पेश करेंगे। बहुत ऐसी चीजें घटिया, घिनौनी, मुझे आज सिर्फ मैं अपने नहीं ले, उन हिंदुस्तान की या बाहर की सारी लड़कियों के लिए आज मैं खड़ी हूँ कि जो मेरे साथ हुआ उनके साथ ना हो। अभी उन दो लड़कियों का मुझे बाहर से फोन आया है कि इसने मेरे साथ भी ऐसा किया है, लेकिन हम स्टेप नहीं उठा पाए, हम यहाँ से भाग के चले गए। राखी जी, एक और उम्मीद अभी भी है राखी और कौन सी उम्मीद बाकी है? किस उम्मीद की बात कर रही हैं आप? 377 लगने के बाद, 498 लगाने के बाद बहुत बड़ा कदम है,
ये एक मैं तो राखी की तरफ से ही कहूंगा कि ये कैंसर था जिसको राखी ने काट के फेंक दिया। राखी पर कई कई हद तक लोगों का काफी लोगों का कहना है, लव जिहाद का एंगल भी लोग आपने भी इसमें लव जिहाद कहाँ से आ रहा है, लोगों का लोग कौन सा लोग कह रहे हैं लव जिहाद, आप लोगों के मुंह में मत डालिए ये बात, आप मत डालिए कोई लव जिहाद का एंगल इसमें नहीं, ना 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 बिल्कुल गलत आरोप है, कोई लव जिहाद का इसमें एंगल नहीं है, ये एक पारिवारिक मसला था, राखी भुगत रही थी, आखिरकार राखी ने आज फैसला ले लिया, प्लीज इसको लव जिहाद से जोड़ के मत देखिए, आज लव जिहाद बोलते तो एक भाई खड़ा ना उसका यहाँ पे, क्या नाम है आपको पता है, तो प्लीज डोंट ब्रिंग इनटू दैट, डोंट गो इनटू दैट, आई रिक्वेस्ट द मीडिया डोंट डू दैट। जावेद देखिए सब खड़े, इसमें लव जिहाद कहाँ से आ रहा है, मेरे भाई जावेद है, मेरा वाहिद भाई है, डोंट डू दैट, इन्होंने यहाँ रहकर पूरा सपोर्ट किया है, डोंट डू दैट, इसमें लव जिहाद का मंत्र इसमें नहीं रखे तो बेटर है, प्लीज एक इंसान की गलती से सबको मुस्लिम ये वर्ड को हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए, जब एक इंसान गलत है तो ये सब पे इल्जाम नहीं लगा, गलती की तो दो मुसलमान आज अपने भाई बन के खड़े हैं ना इनकी मदद के लिए, तो प्लीज आई डोंट वांट हिंदू मुस्लिम और दो भाई जो है उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, और सब मेरे मुसलमान जो और भी मेरे भाई है वो भी मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं कहीं गलत नहीं हूँ, मैंने एक पत्नी का फर्ज निभाया है, अभी मुझसे जब वो मुझसे माफी मांगे ना कि मैं सबको छोड़ दूंगा ये करूंगा, तो मैंने कहा आप कुरान पे हाथ रखकर उसको जाके मिलते हो सब करते हो तो तुम मुझे कहाँ छोड़ोगे, और मैंने कहा कि अब बुलाओ ना उसे, कहाँ है वो, बोलते नहीं आप मेरा मुझे चक्कर आ रहे, प्लीज छोड़ दीजिए, पानी 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 दो दो चलो 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 भाई किनारे चलो प्लीज, चलो बाहर चलो चलो आप लोग हटिए, देखो उधर चलो बैठिए बैठिए माले, चलो पीछे बैठ जाओ चलो 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 पीछे जाओ चलो श्री आ जाएगा, श्री आ जाएगा, डोंट वरी सब आ जाएंगे, चलो 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 स्टार्ट करो गाड़ी, मत बोलो नहीं किधर नहीं जा रहे, घर जा रहे, घर 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 चलो, अरे शांत रहो यार, तुम लोग क्या बोलते हो, अरे इतना तो हो गया, अभी बचा गया।